कैलाश सिंह, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। और आजकल क्योंकि हमारी रूटीन सर्जरीज बंद हैं तो हम कोविड मैनेजमेंट में ही सारा डिपार्टमेंट जो है हेल्प कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी बेड कैपेसिटी है मेडिकल कॉलेज में, पिछली बार जब फर्स्ट वेव आया था तो हमारे पास 150 से 200 कोविड बेड्स थे, वो हमने बढ़ा के आज की डेट में 873 बेड्स जो है वो कर दिए हैं। उसमें से 773 बेड्स पे हमारे पास आज की डेट में पेशेंट्स एडमिट हैं। जो हमारे पास क्रिटिकल केयर बेड्स हैं वो 87 के करीब हैं। दूसरा जो बात होती है कि ऑक्सीजन का कमी है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले साल से अभी तक, पिछले 6-8 महीने में हमने एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट है वो एस्टैब्लिश किया है। उसके अलावा हमारे पास 1200 LPM का यहाँ पुराना प्लांट है, अभी एक हफ्ता पहले हमने 2400 LPM का एक और प्लांट जो है वो इंस्टॉल करके फंक्शनल करवाया है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है एक दिन में कम से कम 1000 सिलेंडर्स की कैपेसिटी जो है वो हमारी है। तो ऑक्सीजन का जहाँ तक ताल्लुक है वो उसमें कोई कमी नहीं है। पूरी गवर्नमेंट, चाहे LG साहब से लेके नीचे तक, हर एक इंसान जो है उसको उसकी पूर्ति करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और डॉक्टर्स जो है अंदर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने मास्क पहने रखना है, हमने हैंड सैनिटाइजर या हाथों को बार बार धोना जो है वो कंटिन्यू रखना है, और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। पिछली बार हमने देखा फर्स्ट वेव में कि सिर्फ बुजुर्ग जिनको डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता था या बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ उनकी होती थी, कैंसर पेशेंट्स होता था, तो उनकी मॉर्टेलिटी, उनकी डेथ्स ज़्यादा देखी गई थी। तो यंग एज ग्रुप जो है पिछले साल इन्फेक्ट नहीं हो रहा था, बट इस बारी कोई भी एज ग्रुप जो है, हमने बच्चों में भी देखा है कि बच्चे भी जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं। 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, 30 साल का लड़का।